10 मार्च से दक्षिण भारत के उडुपी में शुरू होने वाली राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम में मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। वहीं अन्य 8 खिलाड़ी रुड़की और हरिद्वार से चयनित हुए हैं। एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में मसूरी नगर पालिका के सभासद प्रताप पवार और सभासद दर्शन पवार ने बताया है, मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिभाएं हैं, मगर उनको सही समय पर प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण उनकी प्रतिभा निखर नहीं पाती है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी दी गई है। सभासद दर्शन रावत और प्रभात पवार ने कहा है कि मसूरी के लिए गर्व की बात है कि राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में मसूरी के खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो कि उत्तराखंड की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मसूरी हमेशा से जो है स्पोर्ट्स का हब रहा है, लेकिन पुराने लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। एकमात्र स्टेडियम जो भिलाड़ू का बनने जा रहा था वो भी उसका भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। किन कारणों से अटका हम उस चीज़ में नहीं जाते, लेकिन इसके लिए एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए। आज का हमारा युवा जो है यहाँ का नशे की ओर बढ़ा जा रहा है और उसके लिए खेलने का कहीं मैदान नहीं है। हम जो है नगर पालिका के स्तर से इसमें काम कर रहे हैं। अभी तो क्योंकि समय निकला जा रहा है, अभी आचार संहिता का समय, इसके बाद बैठेंगे इस चीज़ में बात करेंगे। एक खेल का मैदान हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए पहल की जाएगी, नगर पालिका के स्तर से जो भी होगा वो हम करने को तैयार बैठे हैं। आज हमने एक छोटा सा प्रोत्साहन इन बच्चों को बढ़ाने के लिए आगे किया है, दर्शन भाई और मैंने एक नई पहल की है कि आज हमारा बच्चा कोई भी आर्थिक तंगी के कारण जो है किसी भी प्रतिभा से छूट ना जाए। हम लोग 31वां नेशनल जूनियर नेशनल थ्रोबॉल उडुपी खेलने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम छत्तीसगढ़ और रोहतक खेलने गए थे, तो हमारा यही कहना है कि इससे इस गेम में खेलने से ये फ़र्क होता है कि बच्चों को नशे की ओर नहीं जाता, दूसरा क्या है इनकी करियर के लिए आगे चांस मिल जाते हैं नौकरियों में, खेल में, और ये नेशनल खेल सकते हैं इंटरनेशनल। काल में तो काफ़ी मुसीबत आई है, आप सबको पता है, उसमें फील्ड बनते, गेम्स बनते, धीरे धीरे कोशिश करके जो भी कोशिश कर पाए वैसे कर पाए। कितने बच्चे ले जा रहे हैं यहाँ से? मसूरी से 7 बच्चे हैं, टोटल टीम 15 की है, कुछ रुड़की है, कुछ हरिद्वार की है। मानव भारती के जो हमारे बच्चे हैं ये उडुपी जो है खेल ये थ्रो बॉल का जो गेम है उसको खेलने जा रहे हैं, तो हमारे कोच साहब ललित भाई, क्योंकि हमारे से बात हुई तो उन्होंने कहा इस प्रकार से हमारे बच्चे जो है उत्तराखंड टीम से वहाँ जा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई। और मैंने कहा ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि अगर ऐसे कामों में हमारा एक थोड़ा सा भी योगदान हो तो बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैंने और प्रताप भाई ने उस हिसाब से कहा कि जो भी हमसे बन पाएगा एक छोटी सी इनकी मदद करने का, जो भी हमने एक बीड़ा उठाया तो हमने कहा हम करेंगे, और बच्चों का यहाँ पे सॉल बैठकर सम्मान भी करा, क्योंकि इनका हौसला तभी बढ़ेगा जब हम शहरवासी इन बच्चों के साथ आएंगे। और हमने देखा है हमेशा पिछले जितने भी यहाँ पे राजनेता रहे हों या कई ऐसे लोग हैं, इन्होंने खेल के प्रति मसूरी में कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो हमारा मानना ये है कि एक पहल भी हम इसमें करना चाह रहे हैं, प्रताप भाई और मैं, हमारे से जो भी लड़का हमारे शहर का खेल में कहीं आगे जाना चाहेगा और उसको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो हम उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हम इस क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएँ। मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। अपने आपको लकी मानूंगा कि मैं माना भारती में था और हमें ललित सर जैसे कोच मिले जिन्होंने हमें थ्रो बॉल का एक चांस दिया, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में पता नहीं है अभी इस चीज़ के बारे में, मसूरी में पता नहीं है। मसूरी में पोटेंशियल तो बहुत है पर वो ये कि गाइडेंस नहीं मिल पाती इतनी, मतलब पोटेंशियल बहुत है मसूरी में। तो मैं अपने आपको बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं थ्रो बॉल में जा रहा हूँ, ये मेरा तीसरी बार है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हुई है क्योंकि ये पहली बार हमें प्रोत्साहित किया गया है, बहुत ही अच्छी धनराशि मिली है हमें जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी और हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट होगा खेलने के लिए, और अच्छा लगेगा अगर हम उत्तराखंड और मसूरी का नाम रोशन करें। चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं सब लोग? हाँ जी, चैलेंज सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबका बहुत हार्डवर्क है, डेडिकेशन है। बहुत सारे स्टेट आएंगे वहाँ पे, बहुत सारी मतलब जैसे हरियाणा हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेट आएंगे, पर हमारे अंदर पूरा पोटेंशियल है, हम ये जानते हैं और हम अच्छा करेंगे।